हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल विवेक पांडे एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपने वाला हूँ बीके बिरला कॉलेज के बारे में, जो हमारा मुंबई में है, कल्याण में, कल्याण स्टेशन के पास में है बीके बिरला कॉलेज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बीके बिरला कॉलेज के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ। बीके बिरला में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, प्लेसमेंट कैसे मिलती है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, सारी डिटेल आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले जाना है आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, वहाँ पर बीके बिरला कॉलेज को सिलेक्ट करना है और जिस भी कोर्स को आपके लिए अप्लाई करना है बीके बिरला में, उस कोर्स को सिलेक्ट करना है। फिर बीके बिरला के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको उसका फॉर्म भरना है। तो फिर जब भी मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम आया तो आपको बीके बिरला कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आपको फीस भर के एडमिशन मिल जाएगा। अगर ओपन में होंगे तो आपका 86 कट ऑफ गया था सेकंड लिस्ट का, और एसटी के लिए 58, एससी के लिए 72 कट ऑफ गया था यहाँ का पिछले सेकंड लिस्ट का, सारे ही कोर्सेज के लिए 2021 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपका अगर 86 से थोड़ा बहुत कम होगा तो आपको थर्ड लिस्ट में मिलने के चांसेस है। और अगर आप ओपन कैटेगरी में और बाकी सारी कैटेगरी का भी मैं यहाँ पर साइड में फोटोकॉपी लगा दूंगा, आप उसे देख सकते हैं आपके कैटेगरी का कट ऑफ कितना है। तो आपको आपके मार्क्स अगर कट ऑफ मैच होता है तो आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा थर्ड लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो, जिस भी कोर्सेज में आप लेना चाहते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। अब मैं आपको बताता हूँ फैकल्टीज़ के बारे में। तो जो भी यहाँ पर फैकल्टीज है, सारे पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के हुए, नेट क्वालिफाइड, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, मतलब बहुत ही अच्छे फैकल्टीज है यहाँ पर। 20 से भी ज़्यादा ऐसे फैकल्टी है जिन्होंने पीएचडी करके रखा है। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है और फैकल्टीज भी जो यहाँ के टीचर्स प्रोफेसर है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो फैकल्टीज के लेके आपको थ्रू आउट द डिग्री कोई भी इशू नहीं होने वाला है। फैकल्टीज यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं। तो इस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एसी रूम और नॉन एसी रूम दोनों अवेलेबल है। दोनों का फीस अलग अलग रहता है। आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते तो, और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो पीजी वगैरह भी आपको कॉलेज के आसपास मिल जाएगा। तो रहने का अगर मुंबई से बाहर के कोई बच्चे आए तो हॉस्टल ले सकते हैं या फिर पीजी वगैरह ले सकते हैं कॉलेज के आसपास। अब मैं बताता हूँ आपको कोर्सेज कौन से यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स अवेलेबल है, मास्टर ऑफ आर्ट्स अवेलेबल है, बीएससी अवेलेबल है, एमएससी अवेलेबल है, पीएचडी भी यहाँ पर अवेलेबल है, बीएमएस अवेलेबल है यहाँ पर, सर्टिफिकेशन के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सर्टिफिकेशन के 25 से भी ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। जो सर्टिफिकेट होते हैं 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के सर्टिफिकेशन के जो कोर्सेज होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इतने सारे कोर्सेज, 8 से 9 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है हमारे कॉलेज में, बीके बिरला कॉलेज में। अब मैं आपको बताता हूँ अटेंडेंस यहाँ पर कंपलसरी है कि नहीं। तो जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेज है जो भी अफिलिएटेड है मुंबई यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर ये है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है अगर आप रेगुलर कोर्स लेंगे तो। अगर आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी में करस्पॉन्डेंस कोर्स ले सकते हैं, तब आपको रोज कॉलेज जाने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आपका बहुत ही कम लेक्चर्स रहेंगे और डायरेक्ट आप एग्ज़ाम देंगे, और अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगा। तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं अगर आप सीए वगैरह या फिर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी वजह से अगर कॉलेज नहीं जाना चाहते रोज़, तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज मुंबई यूनिवर्सिटी में करस्पॉन्डेंस है। अब मैं बताता हूँ आपको प्लेसमेंट यहाँ पर कैसे मिलता है। तो यहाँ पर हाइएस्ट प्लेसमेंट 14 लाख का गया है पिछले साल का, और कोरोना का जो आया था उससे पहले वाला जो ईयर था वहाँ पर 14 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। एवरेज पैकेज भी यहाँ पर 3 से 4 लाख तक सारे कोर्सेज में जाता है। इंटर्नशिप कॉलेज से बहुत अच्छी नहीं मिलती, पर प्लेसमेंट सारे ही कोर्सेज में मिलते हैं। 50 से 70% के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है इस कॉलेज में। जो भी मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स का बैच है तो 50-60 स्टूडेंट्स को हर साल प्लेसमेंट मिल ही जाता है। तो प्लेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है कल्याण में, बीके बिरला कॉलेज। तो ये था सारी डिटेल मैंने आपको बताया बीके बिरला कॉलेज के बारे में। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, कॉलेज रिव्यू बहुत सारे कॉलेजेस के, संजय व्यास कॉलेज के, जे सुमैया, एस के सुमैया, जय हिंद कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस के वीडियोस मैं अब तक बना चुका हूँ। और आगे भी हमारे चैनल पर और भी कॉलेज रिव्यू, स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, और भी वीडियो आने वाले। तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब तक 3.4% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। 96 से भी ज़्यादा परसेंट के लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। आप देख लीजिए, मैंने साइड में प्रूफ भी लगाया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ तो आपको भी मुझे हेल्प करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें, तो आपको जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होंगे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।